हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ लखनऊ से सोनभद्र। सो, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो, आज ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और आगे का जो भी सीन होगा मैं आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो, ये लखनऊ का विधान भवन है जो कि तिरंगे से बहुत ही अच्छा सजाया गया है। इसके चारों तरफ तिरंगे से सजाया गया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सो, आगे का सीन कुछ देखने लायक है, तो आगे दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, ये शायद ट्रैफिक पुलिस है जो जेसीबी मशीन से तिरंगा लगा रही है। सो, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। सो, अभी मैं पहुँच चुका हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ वेट करेंगे ट्रेन का। 4:05 यहाँ पे ट्रेन आएगी। सो, 16 घंटे का सफ़र पूरा ट्रेन में ही बीतने वाला है। सो, आप लोग बने रहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, धीरे धीरे यहाँ से ट्रेन चल पड़ी है। तो रास्ते में जो भी सीन होगा मैं उसे पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो ये लखनऊ से चलने पे रास्ते में मिलता है, ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो, मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, मुझे लगा आप लोग को दिखाना चाहिए। पूरा हरियाली हरियाली है इधर। सो गाइस, थोड़ी ही देर में हम लोग अभी रायबरेली रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे। तो बस अभी ये ट्रेन यहाँ से पार हो रही है। तो अभी हम लोग रायबरेली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। सो गाइस, ये है मेरी सीट, अपर में है ऊपर सबसे। तो मैंने अपने बैग को अपने सर के नीचे रख लिया है। सो अभी यहाँ से गाइस, ये पुलिस वाले हमें हमेशा ही दिखते हैं स्लीपर में, जो कि फ़ोन उन चोरी ना हो जाए इसलिए लोग यहाँ पे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। सो अभी हम लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं। यहाँ पे ट्रेन लगभग आधे घंटे तो रुकेगी, उसके बाद यहाँ से चलेगी। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। गाइस, ये ट्रेन लगभग 3 घंटे से यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं से क्या हो गया, ये यहाँ से जा नहीं रही है अभी। तो लगभग 2 बज गए हैं और यहाँ पे तो 2 बजे यहाँ से निकली है अभी। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं अभी। सो गाइस, पूरी रात सफ़र करने के बाद अभी सुबह का टाइम है और हम लोग अभी सोनभद्र थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। सो, ये है सोनभद्र रेलवे स्टेशन। अभी हमें यहाँ उतरना नहीं है, लगभग 2-3 स्टेशन और आगे जाना है। सो चलिए आगे। ये सोनभद्र से आगे का सीन है जो कि नदियाँ, पहाड़, बहुत सारी इधर चीज़ें हैं। सो ये गाँव है गाइस, ऐसा सीन सिर्फ इधर ही देखने को मिलेगा, शहर में ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ चौपन रेलवे स्टेशन पे और अभी यहीं पे हम लोग उतरेंगे और यहाँ से बस आगे जाएंगे। तो गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।